बिहार में महागठबंधन से नाता तोड़े जाने से नाराज जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने एक बार फिर जनसंवाद शुरू कर दिया है और इस बार भी उन्होंने अपने निशाने पर बीजेपी और नीतीश कुमार को लिया। जनसंवाद में शरद यादव ने राज्य में बढ़ रहे आपराधिक मामलों से लेकर बांध टूटने तक की घटनाओं पर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जेडीयू के बागी नेता शरद यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अंधेर नगरी और चौपट राजा है, जिसकी वजह से बिहार जंगल राज में तब्दील हो चुका है। हर जगह लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शरद ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर महागठबंधन टूटने के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश ने गठबंधन तोड़ा है, तब से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। भागलपुर में उद्घाटन से पहले बांध टूटने की घटना पर भी चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि देश में 70 सालों में ऐसी पहली घटना सामने आई कि जब बांध को बनाने में 40 साल लग गए, वो उद्घाटन से पहले ही टूट गया। इस दौरान शरद यादव ने एनडीए पर भी कई वार किए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जनता को ठगने का काम किया और कुछ नहीं किया है। गरीबों की हालत खराब है और सरकार रोज नया कानून बना रही है। जीएसटी से भी सभी परेशान हैं। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट।